राम जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज का ऐसे व्लॉग तो डेली व्लॉग में मैं इसे काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट हाउ माई डेली लाइफ वर्क्स। तो अभी हम भाई यार जा रहे हैं सारे, ये अननोन कॉलर तो बंद है, खुल कैसे गया, पर चलो कोई नहीं। भाई हम जा रहे हैं जहाँ पे आज हमारी मीटिंग होनी थी। मैक्सटन भाई ने जैसे स्टोरी में बोला कि रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके घर वालों के साथ हो बातचीत, बड़ों के साथ हो, तो उधर ही जा रहा हूँ अपने भाई यार के साथ। उधर से रजत भाई भी आ रहे हैं, रजत भाई और नितिन भाई आई गेस, तो वे भी हैं। तो जो भी चल रहा था ऑनलाइन वगैरह, बहुत नेगेटिविटी फैल रही थी इसी साइड से, नहीं काफ़ी साइड से भी, चाहे वो लेफ्ट लॉबी होगी, चाहे वो जो भी अकाउंट्स है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। और जो हमारी फाइट चल रही थी ये देखा होगा आप लोगों ने, तो इसका वही करने जा रहे हैं, इसका निपटारा कि चीज़ें ख़त्म करते हैं। पॉजिटिविटी और बिल्कुल ख़त्म कर दो आज। और दो भाई ऐसे आपस में लड़ रहे हैं ऑनलाइन, इतनी ज़्यादा वो हो रही है तो सही नहीं लगता। तो रजत भाई आए, वो भी आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बैठ के करते हैं इसका हल। तो सारे भाई हम करने जा रहे हैं इसका निपटारा कि क्या होता है क्या नहीं होता। उसके पेरेंट्स भी आएंगे तो अच्छे से बात होगी, काफ़ी मैच्योर लोग आ रहे हैं, हमको भी समझाएंगे, अगर जो हमसे कुछ गलत हुआ वो हमें भी समझाएंगे, और जो उससे गलत हुआ उसे भी समझाएंगे। ऑब्वियसली उसे तो समझाया ही होगा कि उसने क्या गलत करा, क्योंकि उसके तो पेरेंट्स ही हैं। तो चलते हैं अभी वहाँ पे, भाई बैठते हैं, शायद अनूप भाई भी आए उधर से, वो कह रहे थे कि एक बार साथ में बैठ जाऊँ, वो भी बड़े हैं हमारे, इनकी अच्छी बात है, चलो आ जाओ बैठ के बातचीत होगी। जब चार बड़े बैठेंगे तो कुछ अच्छी चीज़ निकल के आएगी। एक चीज़ भूल गया था मैं, वो हम लेने आए हैं, और मैं कह रहा हूँ एक मस्त चीज़ बताऊँ तुझे, क्या वंश की शादी पक्की होगी भाई साहब, एक बार मुबारकबाद कह देना भाई साहब हमारे, अपने वंश की शादी पक्की हो गई। ये क्या बात कर रहा है, पर उसके घर में तो थोड़ी सी दिक्कत थी ना चल रही थी तुम्हारे मामा के, सारी दिक्कत सॉर्ट होगी भाई साहब। मैं मामा का छोरा वंश, जिसे ना पता हो भाई, शादी पक्की होगी भाई, सारी दिक्कत सॉर्ट होगी ए टू जेड भाई। पर मेरे को ना थोड़ी सी शॉकिंग की चीज लगी, बताऊं क्या है, तुमने पिछली बार बताया था कि भाई उसके घर वाले नहीं मान रहे थे, मामा मार ना मान रहे थे, फिर मामी और ने भी कुछ कर दिया था, तो हुआ कैसे सिस्टम, मतलब क्लियर कैसे हुआ भाई साहब? मैं बताता हूँ आप सभी लोगों क्या सिस्टम है, अपनी बताता हूँ अपने ऊपर लेके कि क्या होता है भाई। एस्ट्रोटॉक नाम की ऐप है, वो डाउनलोड करी मैंने, उसके अंदर मेरे को एस्ट्रोलॉजर मिली, संगीता जी। अच्छा भाई, उनने ना मेरे से मेरा नाम पूछा, ना मेरे से कुछ की पूछा, ना नंबर लिया, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम, ये तो बेसिक डिटेल थी मैंने दे दी भाई। उनने सामने से पूछ लिया, कह रहा कि तू कोई वो है क्या सोशल मीडिया स्टार। अच्छा, उनने तुमसे पूछ लिया, मतलब सोशल मीडिया रिलेटेड फील्ड में हो क्या आप? तो मैंने बोला हाँ ऐसे ऐसे भाई, उनने सारी चीज़ बता दी ए टू जेड, क्या क्या बता दिया ऐसे, मतलब कि क्या दिक्कत चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी में, जो दिक्कत चल रही है वो भी बता दी और भी बता दी। तो भाई मैं तो ये होगा, मैंने कि यार ये कैसी बात है, मैंने और सॉरी पूछ ली कि 2024 में भाई अपने साथ क्या होगा, पूरी 2024 की पूछ ली कि समझ रहा ना क्या 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 पूछ सकूँ मैं, सारी बता दी भाई उनने एग्जैक्ट। और जितनी भी ये दिक्कतें होती हैं ना, जैसे रिलेशनशिप वगैरह की, तुम्हारी पंजाब वाली भाभी के बारे में पूछा मैंने कि कैसा था, इसके बारे में तो पक्का पूछा होगा भाभी के बारे में, कैसा रहेगा कैसे नहीं रहेगा वो भी बता दी उनने। तो कब है तुम्हारी शादी, कब है? मेरी शादी भी है भाई बहुत जल्दी, ठीक है। और जितनी भी दिक्कत होती है ना, ये आजकल बालक 20-20 इंटरव्यू देते, जॉब ना लगे इनकी, उनके भी डाउट्स वगैरह क्लियर करता है भाई। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके एस्ट्रोटॉक डाउनलोड कर लो, और भाई मेरी तरफ से मेरे लिंक से जाओगे पहली चैट फ्री। डिस्क्रिप्शन में है ना लिंक, चेक कर लूँगा। हाँ चलो, ब्लॉग में भी आ गए अपने गाइस, मीट आंटी जी हमारी, अब सब ठीक है आंटी? हाँ ठीक है। कोई पक्की बात है, सारे जने एक हैं हम, वीडियो बन रही आंटी, मुझे फिर कैसे पता चलेगा, मुझे भेजोगे तब ना, मैं भी ले लूं अपने से। ये आंटी मैं ब्लॉग में देख लूं, आप ब्लॉग में आओगे, मैं भी ले लूंगी एक सेल्फी। आप पूरी वीडियो बनाओ आंटी। भाई हमारे साथ मैक्सटन भाई के फादर साहब भी, हमारे अंकल जी भी हैं। अंकल जी कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं? नहीं, एल्विस से जो दिक्कत परेशानी था एल्विस भाई ने खुद खत्म कर दिया। सारे जने एक हैं हम, सारे भाई साथ में काम करेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। जो भी था वो एल्विस ने खुद खत्म कर लिया है, अब कोई गिला शिकवा नहीं है। बिल्कुल, एल्विस भाई की तरफ से, हमारा तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे हमारे सारे एक घर। आंटी देखो बर्तन तो बचते रहते हैं। सच मानो बेटा, अगर मैं 9 बजे रात में उस दिन मुझे पता चलता तो मैं ये इतना आगे नहीं बढ़ता, मैं तुरंत रोक लेती, अपने बच्चे रहे चाहे कोई रहे, मैं आपसे बात करा देता, लेकिन मुझे पता नहीं चला तो ये आगे बढ़ गया, थोड़ा आप भी गलत कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाई। हाँ क्या हो गया? जल्दी होट ठीक हो गया इसका, अब बिल्कुल ठीक है भाई। मुझे एक बात बताओ,
कैसा चल रहा है सब कुछ? अरे चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अब ठीक हो तुम? हाँ बिल्कुल। पहले भाई को बताइए, 1 मिलियन एक मिलियन फॉलोअर की बधाई हो भाई को। हाँ केक काट लेंगे जी। अभी अभी 1 मिलियन का केक कटवाएंगे इसका। हाँ ठीक है, केक तो कटना जरूरी है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया हो गया, केक कटना जरूरी है। सब नॉर्मल है, सब ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल। चलो ऐसा ही होना चाहिए, बहुत बढ़िया जी। भाई सारी बात अपनी हो चुकी है, जितनी भी बात रखनी थी भाई ने अपनी बात रखी, हमने अपनी रखी, और अपना जो भी समझौता होना था वो भी हो गया। जैसे भाई ने बताया कि जिस मर्जी ने प्रवोक करा वीडियो वाडियो बनाने के लिए, कोई बात नहीं, एक घर है, बर्तन बचते रहते हैं, दोनों भाई में सुलह हो गई है, अपना हिंदू भाईचारा बना रहना चाहिए और साथ में आगे बढ़ते हैं भाई, साथ में काम करते हैं। कोई दिक्कत अंकल? नहीं नहीं कोई दिक्कत, बस बेटा मिल के रहो, मिल के हम बिल्कुल मिल के रहेंगे, मिल के रहेंगे भाई, गलत काम कोई मत करना, सब आपस में ना ये करना, इसको भी नहीं करने बोलते रहे हो ये, आप भी बिल्कुल भाई, अपना कोई दिक्कत नहीं, अपने सारा भाईचारा है, सारा भाईचारा हमारा, हां सारा भाईचारा है, है ना, दो आदमी के लड़ाई में कोई बात नहीं, एक नया अजूबा आया भाई हमारे बीच में, भाई हमारे भाई आए जेड़ा करवाणी, अपने सारे भाई आ रखे हैं, अपने नितिन भाई आ रखे हैं, थोड़ा हम घर इतना हो जाए भाई का डोला, और बस यही चल रहा है भाई, अपना प्यार बनाए रखो सारे भाई, और भाई से सुबह भी बात हुई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि भाई का ये पे लेवल नहीं है साथ, यहाँ पे ये चीज़ें करके डिस्कस करो, गलत कह रहा हूँ भाई? ना ना बिल्कुल सही, आप हो नहीं, इसलिए कि लड़ाई वड़ाई होती है, सबकी होती है, बट वो एक बंद कमरे में हो और वहीं सुलझ जाए तो बात अलग है, पर चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, अगले देख के भाई सारा समाधान हो चुका है, दोनों भाइयों में सुलह हो चुकी है, ये 36 बिरादरी एक है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, घर में वही वाली बात है जो एलविस ने कही थी, बर्तन रहते तो खटकते ही है, तो समाधान हो चुका है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, तो सब एक आप सारे मिल के रहे, भाई ने मेरा नाम डाला था ना स्टोरी में कि आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब भाई इतनी पब्लिक अखंड पागल है, वो ये उल्टी सीधी ये कर दो वो कर दो, भाई चाहे अगर लड़ाई होते भी ना तो भी अगेंस्ट नहीं जाते, नहीं जाते भाई, क्योंकि एक आदमी को दिल से प्यार होता है, वो है बिल्कुल भाई, ना लड़ाई कभी थी हमारी ना है और ना कभी ना कभी होगी, अब लड़ाई क्या बोल रहे, कुछ भी बोल दो, सब कुछ भी बोल दो, तो कुल मिला के बस एक रहो, और क्या बोलना है, बात खत्म, और मुंह मीठा करवा देंगे, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल का सब्सक्राइब भाई यार के चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, जो जो देख रहा है हालत खराब होगी, बहुत मेहनत तुम्हारी कर दो भाई, ना बहुत मेहनत तुम्हारी, करो करो भाई, भाई हां मैक्सटन कहां है, मैक्सटन भाई आओ, मैक्सटन हो रहा है, मैक्सटन भाई इधर आओ, हां अरे एयर ड्रॉप करो भाई, अपने ही भाई हैं, साथ में रहते हैं, ये जवानी छोटे-मोटे केस हो जाएगा, दिल पलटी कोई बात नहीं है, और एक चीज भाई बहुत लोगों के मन में आएगी कि किसी प्रकार का दबाव दो बना के इनसे कमाइए, तो एक बार भाई वो सारी चीजें क्लियर कर दोगे तो और अच्छा रहेगा, किसी भी पूछ लो भाई, आप अंकल से पूछ लो, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है, आप जैसे बता रहे थे आपको मेरी मम्मी काफी पसंद है, तो मैं साथ में घर पे लेके आऊंगा मम्मी को, ना मिलेंगे आपसे, बिल्कुल प्रॉमिस प्रॉमिस, थैंक यू आंटी, बहुत टाइम बाद तुम्हें एक चेहरा ऐसा दिखने वाला है व्लॉग में जो तुमने नहीं देखा होगा, दिखाता हूँ, कहाँ गया वो चेहरा, कहाँ गया अम्मा वो चेहरा जो मैं वो कई दिनों से व्लॉग में नहीं आया, किधर कौन सा था, हाँ भाई भाई जो भी हुआ जितनी भी लड़ाई बढ़ाई बजी उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे, सुबह ना बता दो, शक्ल तो अच्छी लग रही है, तो मेरी मम्मी सुथरी भी तो पूरी है, मैक्सटन की मम्मी कहती कि मुझे आपकी मम्मी बड़ी पसंद है, मुझे मिलना है, तो आप उनके घर चलोगे, उनको इधर बुलाऊं बताओ,
जैसे मर्जी कर ले जैसे मर्जी कर ले वचन हटना दे वर वेरी स्वीट नो डाउट सबके पेरेंट्स स्वीट होते हैं बस एक मेरी मम्मी है जो घनी तेज है अब तो पहलवान हो रही है कमजोर भी पड़ी मैं तो तू मोटी हो गई है भाई पहला से बीच में तो सही होगी थी पर अब तो मोटा होगा टी-शर्ट डाल के इस वजह से लग रहा मैं कमजोर ही हूं ऐसा कमजोर होए कराए क्या मोटा मुझे ऐसा लगता है जिम जाना चाहिए क्यों जाऊं मैं जिम भाई जिस दिन भी है सबको ना के रखा जिम में मोटे हैं वे भी पतले होने की ना जावे जो पतले वे भी जिम जावे मारती यूं इसमें ना तो फिट रहे ना मेरे जैसे देख हमने जाते जिम पापा सही कर लोहे तो लड़ना किसी लोहे तो लड़ना जिम को लोहे से लड़ना कह रही है मेरी मम्मी भाई साहब जिम इज द बेस्ट मैं कह रहा हूँ माड़ा कैसी लग रही है अच्छी लग रही है ना मेरे ऊपर वाह गाइस नया फैशन है अभी हो ना माड़ा मुड़ा पैरे करो थम्बी नई चीज़ शुरू कर दो माड़ा पैरे करो जय हो साला सर महाराज जय जय हो बालाजी महाराज की बोल बोटे हाथ जोड़ शाबाश ठीक है भाई सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं और एक पॉजिटिव नोट के साथ ख़त्म हुई है कि सारे भाई यूनिटी बना के रखते पूरी छत्तीस बिरादरी ना लड़ाई झगड़े की बात करेंगे ना ऐसे कई गलत कमेंटबाजी करेंगे जिससे लड़ाई बजे किसी भी उसमें जात बिरादरी में सारे भाई बन के रहते और आगे से एंगर इश्यूज भी थोड़े ठीक करने पड़ेंगे जो मेरे लिए नहीं भाई सबके लिए बहुत लोग होंगे भाई यार को जल्दी गुस्सा आता होगा जल्दी किसी चीज़ पे ट्रिगर होते होंगे ट्रिगर्ड इंसान बनते होंगे किसका ट्वीट देख रहा था मैं समय रहना कह रहा एलविश यादव इज रियल ट्रिगर्ड इंसान वो भी मस्त जोक थे सारे तो भाई थोड़ा अपने ऊपर मेहनत करेंगे थोड़ा जल्दी दिमाग गर्म हो जाता है उसको भी ठीक करेंगे और भगवान करे सद्बुद्धि आए मेरे में या सब में थोड़ी थोड़ी क्यों मोटे इसमें भी थोड़ी सी इसमें तो बल्कि सारी इसमें तो पहले बुद्धि आए उसके बाद सद्बुद्धि आए उस बुद्धि में हाँ क्योंकि बुद्धि ना सद्बुद्धि किस में आई खाली खोपड़े में चलो भाई मैं चल रहा हूँ सोने ये आज के गेटअप तो अपना निकलते हैं कपड़े कुपड़े निकालेंगे अपने सोएंगे बहुत टाइम बाद घर पे सोऊंगा भाई सब चैन से प्यार मोहब्बत से सोएंगे ठीक है भाई जी लाइक कमेंट शेयर यो बैठा मेरा शेयर और सब्सक्राइब ठीक है भाई जी गुड नाइट।